Good morning, my lovely students. How are you? I hope you all are well and safe at your home. So, let's start today's class. So, students, today we will continue the chapter number 22, How do state governments work? And today we will discuss about state legislature. Okay? In previous class, we have already discussed governor, power of the governor, CM, power of the CM, function of the CM also. Okay? And today we will discuss state legislature. So, start. The state government has to make laws for day-to-day governance and also has to meet the civic needs of the peoples. मीन्स जो स्टेट गवर्नमेंट से वो क्या करती है डे टू डे लाइफ के लिए रूल्स मेकिंग करती है देन जो सिविक नीड्स होती है पीपल्स की सिविक नीड्स मतलब जो उसकी एज अ सिटीजन नीड्स होती है उनको फुलफिल करती है ओके देन द ऑर्गन दैट परफॉर्म्स दीज फंक्शंस नॉन एज स्टेट लेजिस्लेचर ठीक है अब जो स्टेट लेजिस्लेचर है उसको भी हम टू हाउसेस में डिवाइड करते हैं ठीक है टू हाउसेस कौन से हैं फर्स्ट तो उसका हाउस होता है जिसके अंदर क्या होती है वन हाउस कोल्ड यूनिकैमरल लेजिस्लेचर ओके जिसके अंदर ओनली वन हाउस होता है मोस्ट ऑफ द स्टेट हैव ओनली वन हाउस ऑफ लेजिस्लेचर ज्यादातर स्टेट में अपने यहाँ पर एक ही हाउस होता है मीन्स वहां पर यूनिकैमरल लेजिस्लेचर की फॉर्म होती है देन उसको क्या बोलते हैं हम विधानसभा अपने राजस्थान में भी क्या है यूनिकैमरल लेजिस्लेचर सिस्टम है और हमारे यहाँ पर क्या है विधानसभा है सेकेंड है टू हाउसेस कोल्ड बाइकैमरल लेजिस्लेचर दीज आर विधानसभा और लेजिस्लेचर असेंबलीज जिसको हम क्या बोलते हैं लोअर हाउसेस एंड द विधान परिषद और लेजिस्लेचर काउंसिल्स अपर हाउसेस मीन्स जिसके अंदर टू हाउसेस होते हैं उसको क्या बोल रहे हैं हम विधान परिषद दैट इज फॉर्म ऑफ बाइकैमरल लेजिस्लेचर ओके सो फर्स्ट वी टॉक अबाउट विधानसभा द विधानसभा इज द लोअर हाउस ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर यू नो हमने भी जब सबने पढ़ा कि जो स्टेट लेजिस्लेचर होती है उसके अंदर जो लोअर हाउस होता है वो कहलाता है हमारा विधानसभा जो कि यूनिकैमरल लेजिस्लेचर की फॉर्म होती है देन इट इज कंपोज्ड ऑफ द रिप्रेजेंटेटिव डायरेक्टली इलेक्टेड बाय द पीपल फ्रॉम स्टेट कॉन्स्टिट्यूएंसीज कॉन्स्टिट्यूएंसीज मैंने आपको पहले प्रीवियस क्लास में बताया था मीन्स ज्योग्राफिकल जो एरिया होते हैं वो डिवाइडेड कर देते हैं और डिवाइडेड करने का बेस होता है वहां की पॉपुलेशन ओके पॉपुलेशन के बेस पर डिवाइड कर देते हैं दैट एरिया कॉल्ड कॉन्स्टिट्यूएंसी तो जो कॉन्स्टिट्यूएंसीज है उसके रिप्रेजेंटेटिव डायरेक्टली इलेक्ट किए जाते हैं पीपल्स के थ्रू एंड दे आर नोन एज मेंबर्स ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली दैट इज एमएलएज शॉर्ट फॉर्म हम उसको बोलते हैं एमएलएज जो कि मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली के होते हैं नेक्स्ट द कॉन्स्टिट्यूएंसीज मीन्स जो कॉन्स्टिट्यूशन है हमारा डिक्लेयर्स दैट द नंबर ऑफ सीट्स इन अ लेजिस्लेटिव असेंबलीज कैन नॉट बी मोर देन 500 और लेस देन 60 मेंबर्स 500 से ज्यादा नहीं होने चाहिए और 60 से कम भी नहीं होने चाहिए किसके अंदर जो हमारे यूनिकैमरल लेजिस्लेचर फॉर्म है दैट इज विधानसभा जो हमारा क्या है लोअर हाउस है ठीक है Then, in addition to the elected members, the governor of the state can nominate on member of the Anglo-Indian community if he and she feels that the community is not being adequately represented in the assembly. तो जो Anglo-Indians होते हैं उनके लिए भी seat reserve कर जाती है. Anglo-Indians कौन होते हैं? वो ब्रिटिशर जो कि इंडिया में ही रह गए हैं इंडिया में ही अपना जो व्यवसाय है अपना जो वर्क है वो करते हैं वो काउंट कर जाते हैं एंग्लो इंडियन पीपल्स के सो ठीक है नेक्स्ट वी टॉक अबाउट प्रेसिडिंग ऑफिसर
Soon after the elections, members who are elected to the Legislative Assembly choose a speaker and a deputy speaker from amongst the members. Okay, and duties or functions of the presiding officer that are the speaker presides over the house and conducts its proceedings. Okay. Second, he and she allots time for various items of the agenda and to the members to speak on various subject. ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट जो सब्जेक्ट्स है, मींस उनका जो एरिया है जहां पर वो वर्क कर रहे हैं उनके ऊपर बात करने के लिए जो आइटम्स होते हैं, वेरियस आइटम एजेंडा के, वो उनको देता है और उस पर जो मेंबर्स होते हैं वो स्पीक करते हैं. ही एंड शी डिसाइड वेदर बिल इज अ मनी बिल और एन ऑर्डिनरी बिल. ओके, वो कौन डिसाइड करेगा? प्रेसिडिंग ऑफिसर. Now, if any member mischievous, the speaker can advise him or her to leave the house. Okay? किसी का बिहेवियर इस तरह का लगता है जो कि mischievous होता है तो उसको जो स्पीकर होता है वो हाउस को लीव करने के लिए भी बोल देता है. Both the speaker and the deputy speaker do not vote. However, whenever there is a tie, two speaker has the right to cast a vote. This is known as a casting vote to break the tie. Okay? अब अगर विधानसभा की हम टेन्योर की या टाइम पीरियड की बात करें, टर्म की बात करें, तो इसका जो टर्म होता है वो 5 years होता है और this term can, however, be cut short by the governor. On the other hand, the governor can also extend the Vidhan Sabha's term during a state of emergency. Okay? Next, जो स्टेट लेजिस्लेचर होती है उसके अंदर हम विधानसभा की बात करें तो विधानसभा का जो सेशन होता है वो कब कब होता है? तो जो विधानसभा होती है उसकी जो मीटिंग होती है वो लास्ट एटलीस्ट 20 ईयर में होती है. द इंटरवल बिटवीन टू सेशन कैन नॉट बी मोर देन 6 months. Moreover, the House can carry out its proceedings only when 1/10 of the total number of members are present. These are known as quorum. ठीक है, तो means अगर 1/10 members भी total members में से present होते हैं उसी को हम क्या बोलते हैं? Quorum. ठीक है, so आज हमने पढ़ा स्टेट लेजिस्लेचर के ओनली लोअर जो पार्ट है विधानसभा के बारे में. नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे. थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे.